कभी भी रात को परफ्यूम लगा के ना जाए, ये तो मैंने पहले बता दिया। मिठाई लेके ना जाए या मांस लेके ना जाए, ये तो बात एक है। इसके साथ साथ कभी मांस खा के ऐसे ना जाए, उसकी भी अच्छा स्मेल मुंह से निकलती है तब भी चीज बीच जाती है। कभी अच्छा मिठाई खा के ना जाए, उसकी भी स्मेल जो होती है मुंह में होती है तब भी चीज पीछे आती है। इसलिए बोलते हैं दूध पी के नहीं जाना चाहिए। ये चीजें हैं। दूध तब ना बिके जब जो कुछ शुभ काम पे जा रहे हो, दूध का कोई मसला नहीं है। दही तब भी कहा दही खा के जाओ, कोई शुभ काम पे, दूध का कोई मसला नहीं है, दूध शुभ काम पे पीके ना जाओ। पर जो चीजें बता रहा हूँ कि रात के टाइम आप सोचोगे मैं तो मिठाई खा के आया हूँ, मिठाई तो है नहीं, मिठाई की स्मेल मुंह से आएगी, वो चीज चलेगी। अच्छा तो जब भी ये खा भी लो तो आप मुंह में क्रूला कर, ये चीज या ब्रश करके आ जाओ। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं कि चलो यार ठीक है हमारे पास ये सब नहीं, हमें खा लिया हुआ हम चल रहे हैं, बट इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, ये सही चीज बात भी है। बड़ी ज्यादा। और ये लोगों के पीछे काफी सारे किस्से सुनने को मिलते हैं, ऐसे चलते चलते चीजें पीछे आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये है, एक अपना एक और था भूल गया टोटके मैं। जो पड़े होते हैं उसके उसके आसपास में जाना चाहिए। किसके? हाँ मैंने सुना है वो रोड के बीच में टोट टोटके पड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं चल यार मैं पत्थर से मार देता हूँ, लात मार देता हूँ, कभी भी किसी चीज को मत छेड़ो। तो क्यों नहीं छेड़ो? चढ़ेगी तो वहां पे रहेगी। वो अपने आप कोई ना कोई छेड़ेगी। आप किसी ने निकाला है ना, तो उसे जाना है किसी के साथ, अरे जैसे किसी के साथ जाएगी, गाड़ी इसके ऊपर चलेगी, गाड़ी गाड़ी के साथ होगा तब भी जाएगी भी चलेगी। अरे जाएगी। भाई आप सोच रहे हो कि कई बार सुना होगा कि कोई गाड़ी जा रही है तो उसके सामने चीज भागती हुई दिख रही है या गाड़ी के अंदर चीज बैठी हुई दिख रही है, किससे सुने हुए हैं ये? और ये सच है, ऐसा दिखता है। आप ये देख लो अपना खूनी नाला, इसके भी काफी किस्से सुने होंगे कि कोई औरत आती है सामने खड़ी होती बी सेंटर में आती है, बंदा देखता है कि मतलब कि गाड़ी कंट्रोल करता है कि उस पर लग ना जाए, तो साइड में जाता सीधे खाए। मैंने ऐसे सुना कि वो बोलती है इधर चले जाओ, हाँ और बंदा बोलता है चल ठीक है इधर पहुंच गई, इधर रास्ता होगा, उस रास्ता दिखता नहीं आगे, वो बिल्कुल। उधर करती और सीधा खाई में चले जाती गाड़ी। देखो ना पता क्या ऐसा होता है, किस्सा जी है ये, मैं जम्मू की खोली नाले का किस्सा है, मेन बात ये है, दायरा, दायरा बहुत मेरा ज्यादा छोटा एरिया है। कितना है, मेरी पावर कितने एरिया तक काम करती है, देवतों की पावर कितने एरिया तक काम करती है, अच्छा ऐसे पॉजिटिव चीजों की भी दायरा होता है। बिल्कुल होता है। अब क्या होता है जब हम क्या करते हैं, जब किसी देवता की फेरी निकालते हैं, हम क्या करते हैं पूरे मोहल्ले में फेरी निकालते हैं, कहीं क्या करते हैं पूरे गांव में फेरी निकालते हैं। जितनी बड़ी फेरी निकालोगे आप, उस देवता का उतना बड़ा दायरा बनता जाता है, उस एरिया तक उसको पता होता है कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, अच्छा उस दायरे के अंदर अंदर उसका पूरा राज हो जाता अच्छा है अच्छा देवते अच्छा का। ये चीज मैटर होती है, ये चीज है। अब जो चीजें मैं बता रहा था कि गाड़ी के साथ चीजें चलती हैं, कभी आपको जो आपकी बाइक बड़ी मतलब पीछे बैठा हुआ बड़ी ज्यादा भारी हो गई है चल नहीं रही, तो ये चीज कैसे होती है, जब किसी चीज का दायरा स्टार्ट होता है और वहां से कोई गाड़ी जा रही है उस टाइम पे जब कोई भी नहीं है, उस केस में क्या करना उस केस में कुछ नहीं हो सकता। उस केस में हनुमान चालीसा पढ़े और वहां से उस, निकल जाए। हाँ वहां से निकल जाए बिना कोई रुके, बिना किसी चीज को गाली दिए। कई बार क्या करते हैं लड़के हो गए या कुछ टीन एजर हो गए या कुछ बड़े भी होते हैं, गालियां देने शुरू करते हैं, तू बड़ी आई, कुछ चीजों का होता है डराना, डराती है मजा लेती है। जब उनको गुस्सा डालो कि तुम गाली निकाल रहे हो, फिर वो कहती है ठीक है आ जा तू ऐसे आ जा, फिर ये भी होता है। अब वो जो गाड़ी लेके जा रहा है वो तब तक चीज उसके साथ भागेगी साथ में, जब उसकी चीज के पीछे बैठेगी, जब तक उसका एरिया नहीं खत्म होता, जैसे उसका एरिया खत्म होगा फिर से फ्री हो जाएगा। सही बात है। कोशिश यही करनी है, जब ये मैंने ऐसा छलावा के एरिया के बारे में सुना हुआ है। छलावा अलग चीज आ गई, छलावा अलग चीज आ गई, छलावा जो है वो सामने आया था। अच्छा छलावा का सबसे पहले क्या होता है, छलावा जब आपको है, इन केस अगर है, आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे छलावा है, वो क्या करेगा आपके रास्ते में पत्थर पर फेंकना शुरू कर देगा, डराना शुरू कर देगा। आपके साइड अगर झाड़ियां हैं तो झाड़ियों में ऐसे कुछ ऐसे भागेगा जैसे आपको पूरी झाड़ियों में ऐसे आवाज आने, सरसों की आवाज आने शुरू हो जाएगी, ये यहाँ पे कुछ है। फिर उसके बाद देखेगा यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, फिर पीछे से आवाज मारना शुरू कर देगा, ये किसी का रूप लेके रास्ते में खड़े रहे लिफ्ट दे दे, रुकना नहीं है रात को चाहे कोई भी दिख जाए, ठीक है ना। तो अगर वो उसको क्रॉस कर लिया, अब शलावे का भी एरिया दायरा है,
वो क्या करेगा, थोड़ा आगे आके सबसे मेन चीज क्या करता है छलावा, आके रोड पे पूरा का पूरा लेट जाता है, इतने बड़े हाइट बना लेता है। अच्छा, इतना अपने शरीर को बढ़ा लेता है कि पूरा रोड के इसमें क्या करना चाहिए, चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो। अच्छा, अगर आप नहीं चढ़ाते हो, अगर आप पैदल चल रहे हो, गाड़ी नहीं है, पैदल चल रहे हो, आप उसको क्रॉस कर दो। आप गांव के लोगों को पता होता है ये छलावा इतना बड़ा इंसान होता ही नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको क्रॉस कर देते हो, कुछ नहीं करेगा वो, वो पीछे से आवाज मारेगा और जाने वाले एक काम कर, मेरी टांगों पे चादर तो देखे जा, जो चादर ली होगी ना उसने, ठीक है, टांगों पे नहीं तो मेरे मुंह पे तो चादर देखे जा, उस हिसाब से इग्नोर मारो, निकलो, वो फिर से गायब हो, फिर तुम्हारे आगे आ जाए, जब तक उसका दायरा खत्म नहीं हुआ, कोई भी आ सकता है। तो वो तब तक कुछ करेगा नहीं, खुद ऐसे खुद नहीं लेगा ना, खुद नहीं लेगा, कोई पंगा ही करेगा। जब तक तुम इग्नोर मारते रहोगे ना, फिर वो तुम्हें गालियां देना शुरू करेगा, जब उसका टाइम पीरियड एंड पे आना शुरू हो जाएगा, गालियां देना शुरू कर देगा। अब कई होंगे रैश, रैशेज हो जाते हैं, रैश में आ जाते हैं, ऐसी तरह से तुम गालियां दे रहे हैं। अब फिर क्या होता है, छलावे का लास्ट जो पॉइंट होता है ना, उसका क्या होता है, लड़ने का, कि मेरे साथ लड़, अब मेरे साथ तू लड़, तो मैं फिर अगर मैं हार गया तो चले जाना, अगर तू हारे हो तो ये मार दूंगा, ये किससे बड़े होते हैं। अच्छा, तो कई लड़ते भी हैं, सुबह सुबह तक लड़े होते हैं, हम तो लड़ नहीं पाते हैं, तो हमारे शरीरों में तो ऐसा है नहीं जान कि हम किसी से नहीं लड़ाई तो कर ले चलो इंसान, बट ये है एक आम बंदा लड़ाई तो कर ले, बट अब इतनी एनर्जी नहीं होती कि चार चार घंटे लड़े, चार चार घंटे। मैंने भी किस्सा सुना कि एक बंदा रात को 12 बजे के आसपास आ रहा था, हमारे यहाँ का पहलवान था, उसको चैलेंज कर दिया, अब उसको पहलवानी के ऊपर चैलेंज कर दिया, तो वो ना नहीं बोल पाया, ना नहीं बोल पाया, उसने बोला कि मैं करूंगा तेरे साथ लड़ाई, और वो सुबह 6 बजे लड़ा है, जब सूरज की रोशनी तब उसने छोड़ा उसको, वही तो है। और वो घर पे आए, वो 12 दिन तक बुखार रहा, वो चीज लास्ट में क्या होती है, बोल के जाता है कि अगर तुमने किसी को बताया मैं फिर ले जाऊंगा। अच्छा, ये चीजें हैं। मैं रात को एक दिन आता हमारे कूड़े साथी एरिया, या मैं किसी के बारे में बताता हूँ, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ से निकलो तो आपको रात को पता चल जाएगा यहाँ पे है। मैं आ रहा था रात को 3 बजे, मेरे सामने पत्थर पड़ने शुरू हो गए, जब मैं साइड पे देखा क्या है, तो देखा दो शेडो दिख रही है मुझे, अच्छी खासी मेरी हाइट की, पर मैंने इग्नोर मारा फुल, मुझे पता है मैं जितना फोकस करूंगा वो उतनी चीजें हरकतें करेंगी, मैं गोली मारे यार निकलो अपना टाइम, मुझे पता मेरा इसका दायरा कहाँ तक है, निकलने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि फालतू के पंगे लेना और फालतू के अपनी बताना, उसको जोर दिखाने के चक्करों में ना बंदा खुद फंस जाता है। क्यों पंगे लेने, देखो वो चीज थकेगी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे कोई चीज खड़ी हुई होती है, क्योंकि ये किससे भी यहाँ पर सुनने को मिलता है, उसके ऊपर जैसे गाड़ी निकलती है, तो उस केस में गाड़ी ऊपर से निकलना खराब है कि उसको टायर वायर चढ़ाना खराब है, क्या खराब? देखो गाड़ी ऊपर से निकले या टायर वायर चढ़े, दोनों एक ही चीज है, तो बीच रास्ते में डाला तो वो तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, उसके साथ साइड पे कुछ निकालो बिल्कुल, क्योंकि देखो चीज ऊपर से निकले वो गाड़ी में बैठ सकती है, सवार हो सकती है, कोई भी चीज है, किसी भी चीज में सवार हो सकती है, गाड़ी हो, बाइक हो। अब क्या होता है, कई बार ना लोग कहते हैं कि यार मैं बाइक चलाता हूँ, कई बार पता नहीं चलता स्लिप होती रहती है, एक्सीडेंट होते हैं इस गाड़ी पे, ऐसा होता है, उस चीज पे सवाल है। अभी ये किस्सा है यहाँ का, अपना सांबा डिस्ट्रिक्ट का ही है ये, पीछे कौन सा मोड़ है आपको शायद पता ही होगा, ये पुल क्रॉस करके सपोवाल शायद सुना होगा, यहाँ पे एक बंदा था, इधर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे एक बंदा था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी में बंदे की डेथ हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ, वही गाड़ी किसी और बंदे ने खरीदी थी। अच्छा, और उसी का सेम एक्सीडेंट हुआ, सेम चीज। अब जो जिसने, अब मैंने एक गाड़ी ली है, मतलब मरे बंदा, मर गया, दोनों मर गए, जिसने ली थी नहीं खरीदी है, ठीक है, वो तो मरा। अब जिसकी जो रूह है उस गाड़ी में, पूरी मेहनत करके साथ ले रहा, उसको गाड़ी बड़ी प्यारी थी, अब उसकी ग्राउंड में भेज दी, अब जिसने खरीदी वो भी सेम वहीं पे मरा, सपोवाल में ही मरा वो, उसने देखा मेरी गाड़ी कोई और जा रहा है, वो चीज नहीं छोड़ती। देखो कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कभी आपने शायद सुना भी हो, अपना सोशल मीडिया में सुना हो कि कुछ सांबा में भी ऐसी बात उठी थी एक टाइम पे, कि बाइक चलती हुई दिखती है, बंदा कोई नहीं है। अच्छा, बिना गर्दन वाला बंदा की बात चली थी, कि बिना गर्दन वाला बाइक चलाता हुआ दिखता है। हाँ। तो ये चीजें मतलब कि किसी के साथ अटैचमेंट हुई है, जिसका एक्सीडेंट गाड़ी के साथ हुआ है, तो वो गाड़ी के साथ अटैच हुआ होता है, कोई ना कोई चीज के साथ अटैच हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी की कोई मर गया है उसके साथ एक्सीडेंट गाड़ी ना लो। हाँ, मतलब ये एक और चीज बोलते हैं कि अगर कोई चीज उसको प्यारी है, ऐसे कोई फोन ही प्यारा हो,
या कोई पेन प्यारा हो तो उसके साथ ही चला जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है कि आत्माएं जैसे वापस आती है, पहला जो आपको बताया वो लड़का वापस आया हुआ है, ठीक है, कल को उसको गति करवानी है या उसको मोक्ष दिलाना है तो उसकी हर एक चीज को निकालना पड़ेगा, उसके इवन उसके कपड़े उसके सब कुछ ए टू जेड, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं किसी के जो उसकी चीजें हैं उसके साथ उसका वास है, उसकी अटैचमेंट है, तो वो मैटर करता है कि कोई भी चीज हो उसको निकालना पड़ता है। चलो ठीक है भाई, अब हम करते हैं इस पॉडकास्ट को एंड। उससे पहले आप अपने काम के बारे में भी एक छोटी सी प्रमोशन हो जाए तो आप बताने वाले थे। प्रमोशन ये है कि लोगों को आजकल ना एक किडनी की प्रॉब्लम्स, अपना स्टोन प्रॉब्लम्स, इवन की कैंसर सीए प्रॉब्लम्स और डायबिटीज आ गई, अपना इम्यून सिस्टम जिसका सेट नहीं रहता उनके लिए फिल्टर है वाटर प्योरीफाई। बट लोग सोचते हैं वाटर प्योरीफाई यही है कि यहाँ पानी को साफ करता है बस, और कई कहते हैं कि हमारा घर का पानी बड़ा अच्छा है, ये उस चीज के लिए है पानी साफ करता है, बट मेन ये है कि फिल्टर्स में भी अलग अलग टाइप्स है। कुछ तो है बेसिक आरओ, ठीक है, जिसमें आप आरओ है तुम्हारे पास, आप पी रहे हो उसमें कैल्शियम निकल गया, मैग्नीशियम निकल गया, जब जो भी है तुम्हारा जितना भी क्या अपना कहते हैं केमिकल है वो निकल जाता है। बट कुछ फिल्टर ऐसे भी हैं अलग अलग क्यों बनाए हुए हैं फिल्टर कंपनी ने, जैसे किसी को सीए की प्रॉब्लम आती है कैंसर की, कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे कैंसर की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे सीए बनता है वहाँ का पीएच लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, उसके लिए जो हमारा जो फिल्टर आता है वो अल्कल है जो पीएच लेवल बढ़ाता है। अच्छा, कैंसर को नहीं होने देता, मतलब रोकता है, आगे तो मेडिसिन भी चलेगी बट वो भी अपना काम करता है, पीएच लेवल बढ़ाता है। उसके बाद आ जाता है स्टोन के लिए, स्टोन को जैसे स्टोन जिसमें होता है वो उस चीज के लिए भी रोकता है, सारा सारा जो बिल्कुल माइक्रो डस्ट भी होती है उसको भी रोकते हैं जिसके फिल्टर जो है, अपना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जिसको होती है, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होती है, उन चीजों में भी वो हेल्प करता है अल्कलाइन। उसके बाद आता है हमारा कॉपर एंड जिंक बूस्टर, ये आता है जैसे जैसे हम तांबे के गिलास में पानी पीते, कहते हैं तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए, प्लास्टिक प्लास्टिक को जितना हो सके अवॉइड करो। लोग जैसे फिल्टर में पानी पीते हैं तो उनका क्या आता है कि प्लास्टिक के टैंक है, प्लास्टिक के टैंक वो प्लास्टिक में पी रहे हैं, हमारे पास ऐसे आते हैं मतलब बाल्टियों में पानी स्टोर कर रखते हैं, और हमारे पास जम्मू में तो वैसे भी पानी की दिक्कत होने वाली है, और जो हमारे पास है वो आते हैं स्टील टैंक भी होते हैं, या प्लास्टिक में क्यों पी रहे हो, फिर हमारे फिल्टर्स में स्टील टैंक है। उसके बाद आता है जो कॉपर एंड जिंक जो है, जो प्रेगनेंट वुमेन है उनके लिए कहते हैं आयरन जिंक, ये चीजें अच्छी होती है, ये चीज दे रहे हैं उनको, टैबलेट्स लेने पड़ती हैं, तो वो चीजें इन चीजों में आयरन जिंक उससे बिल्कुल कॉपर, और वैसे भी जैसे सिंटेक्स वगैरह होते हैं ये भी पूरी प्लास्टिक है बिल्कुल, देखो ना अच्छी नहीं है। देखो कोई भी पानी जो है लोगों को पता नहीं चलता कई बार कि हम पानी पी रहे हैं हमें आर ओ लगाना चाहिए या विदाउट आर ओ लगाना चाहिए, अब लोग क्या करते हैं बस वो सोचते हैं कि आर ओ जो है ये फिल्टर है ये इस एरिया में यही लगे उस एरिया में यही लगे, कोई गाइड नहीं करता। और हमारे लोग जो है वो सस्ते के चक्करों में ना शॉप पे चले जाएंगे, जो वो देंगे ले लेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे फसल लगती है अनाज लगता है उस एरिया में हमारा यूरिया काफी ज्यादा बढ़ता है अपना, इनफैक्ट ये रामगढ़ के नीचे तुम्हारे सुना है कि बहुत बदबू आती है पानी से, बहुत ज्यादा पीला पानी आता है कई बार, ठीक है, वहां पे यूरिया होता है, अपना कैल्शियम ज्यादा निकलता है, बोर निकाले होते हैं ट्यूबवेल बोर निकाले होते हैं उन्होंने, उसके बाद अपना ये केमिकल बड़ा ज्यादा इन्होंने फसलों में डाला होता है, स्प्रे की होती है, तो उस पानी को जो है साफ करने के लिए हमारा आर ओ जरूरी है। आर ओ जो है वो साफ ये चीजें निकाल देता है, बट जो हमारे फिल्टर है उसमें अपने बूस्ट हैं, इनके पास कॉपर के बूस्ट हैं, जिंक के बूस्ट हैं, मैग्नेट के बूस्ट हैं, जो अपना एड ऑन करते हैं। कई लोगों की ये होता है ना सोच होती है, ये शायद किसी को पता ही नहीं हो, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, कई लोग कहते हैं आर ओ लगाने से क्या होता है सारे मतलब कि जो बॉडी को मिनरल्स चाहिए तो वो निकल जाते हैं, ठीक है निकलते हैं, बट उन हमारे जो फिल्टर है उनके अंदर टीडीएस कंट्रोलर है जो उस चीज को रोकते हैं। और उसके बाद जो निकल भी गए होते हैं उनके पास हमारे पास अपनी जो टेक्नोलॉजी, दो टेक्नोलॉजियां चलती है हमारे मतलब कि इसमें हर फिल्टर में, मैग्नेट उसके बाद कॉपर एंड जिंक बूस्टर, जो क्या करते हैं अपने मिनरल्स एड ऑन करती है, उसके बाद निकालने के बाद अपने मिनरल्स एड ऑन करती है कि जो मिनरल्स है वो प्रॉपर बैलेंस रहे तो बॉडी को प्यूरिफिकेशन का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें पता ही नहीं है लोगों को, सिर्फ ऐसे आंखें बंद करके चल रहे हैं, और जो हमारा सस्ते के चक्कर में सस्ते के चक्करों में
अब जो हमारा एरिया है यहाँ पे आरओवी रोड के पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेती वाला इलाका है, आरओवी रोड के पड़ते, पहाड़ी वाले इलाकों में आरओवी रोड के पड़ते, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे ना तो कोई केमिकल डलता है ना तो खेती होती है, ऐसा मजदूरी है ही नहीं है, तो इसमें हमें चाहिए विदाउट आरओ जो भी यूएफ पर कॉम्प्रेंसिव बूस्टर जो अपने मिनरल्स ऐड ऑन करेगा और भी ऐड ऑन करेगा, तो यहाँ पे लगता है ये यहाँ पे फसल होती है वहां पे हम लगाते हैं आरओ जितने भी यूरिया शूरिया वो बाहर निकालते हैं। अब इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे सांबा वाली साइड, इधर भी आरओ लगते हैं। तो ये चीज है, किसी को ये चीज पता हो तो वो उसको पता चल जाए कि मुझे सस्ता वाला मिल सकता है अगर मेरा ये एरिया है, पर यह दूसरा वाला वो कहते हैं यार इसको सस्ता मिला मुझे महंगा, क्योंकि भाई वो तुम्हारा एरिया पे डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा लगेगा सूटेबल है। ये चीज भाई बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी मिली हमें, हमें ये भी सुपरनैचुरल के लिए इन्फॉर्मेशन मिली, हमें ऑब्वियसली वाटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिली, और भाई चाहते हैं हम लोग कि ऐसा एक दो और पॉडकास्ट हमारे जबरदस्त और चीज है हमारे पास छोटी सी बताता हूँ, वैक्यूम क्लीनर। अब भी हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, रोबो वैक्यूम क्लीनर, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल पे मैपिंग होगी, खुद चार्जर पे लगे चार्जिंग पे लग जाएगा, खुद आपकी 90 मिनट्स तक आपका मतलब कि घर की पूरी सफाई करेगा, आप घर पे हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता। अच्छा वो जो रोबोट टाइप के नीचे से मिलता है, अच्छा उसमें वो भी है, उसमें वेट एंड ड्राई है कि डस्ट भी मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा, प्लस अगर पानी पूनी पड़ा हुआ है फर्श पे वो भी सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना आपको उसको छेड़ने की जरूरत है, उसके पास जाके ऑन करने की जरूरत है, खुद ऑन होगा सिर्फ आपके मोबाइल के थ्रू। उसके बाद आपको कुछ भी करने, जैसे उसकी बैटरी डेड भी हो रही है वो खुद जाके चार्जिंग पे लेते हैं। अच्छा वही हाल में पूरा रोबोट ही हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो अभी इस टाइम तो बड़ा जोर चल रहा है, इसी पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा तो बहुत ही, तो अगली बार के बारे में अगली बार देखते हैं जब थोड़ा काम चलेगा, इस टाइम उस पे फोकस है मेरा। यार आप लोग भी सहायता करो इस पॉडकास्ट को और वायरल करो, खुद देखो, लोगों को शेयर करो, जम्मू के लोग तो बिल्कुल करो ही करो, और इसको तो हम लोग थोड़ा एम रखते हैं कि 2000 व्यूज पे जाए कम से कम, और चाहेंगे कि शमी भाई वापस आए, अगर वो चाहते तो इसमें लाइक भी जरूर ठोको। चलो बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।